हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, बात करेंगे राहुल द्रविड़ की, क्योंकि ये जय और वीरू वाली जोड़ी जो है इसने पता नहीं कितने ही टाइम साथ में खेला है, कितना समय साथ में बिताया है ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, चाहे इंडिया के पिचेस पे हो, इंडिया के किसी भी ग्राउंड पे हो, या फिर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, हम कहीं भी बात कर लें। और इन दोनों ही प्लेयर्स को अच्छा खासा अंदाजा है कि पिच किस प्रकार से बिहेव करेगी, किस ग्राउंड का नेचर कैसा है। लेकिन जब हम WTC फाइनल में इस ओवल के मैदान पर उतरने वाले थे, तो उससे पहले सचिन तेंदुलकर को पता था कि ओवल की पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद करने वाली है, स्पिनर्स प्ले में आएंगे उसमें। लेकिन क्या राहुल द्रविड़ को नहीं पता था वाई दे कांट गिव अ चांस टू अश्विन, समझ से परे है। क्योंकि जब हम बात करेंगे इस मुकाबले की, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से खराब गेंदबाजी की हमारे इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, किसी किसी की तो इकॉनमी 4 के अराउंड थी, 3 से ऊपर तो एटलीस्ट सबकी थी, कोई ऐसा नहीं था जो 3 के करीब हो, और 3 से ऊपर भी ऐसा था कि 3.90 3.5 के ऊपर ही था, उससे कम किसी का नहीं था। और ये गलती राहुल द्रविड़ ने की, टीम मैनेजमेंट की। लेकिन हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर ने आखिर क्या भविष्यवाणी कर दी थी मैच से पहले, उन्होंने क्या कहा था जब ओवल के मैदान में खेलना था टीम इंडिया को। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था ओवल इज अ गुड वेन्यू फॉर टीम इंडिया। अब आप सामने आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और बताता हूँ मैं क्या क्या बोला उन्होंने। आई वोंट बी सरप्राइज दैट द इंडियन टीम वुड बी हैप्पी दैट दे आर प्लेइंग एट द ओवल। ओवल पिच इज सच दैट एज द टाइम्स गोज बाय इट ऑल्सो असिस्ट स्पिनर्स। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर इंडियन टीम इस ओवल के मैदान की प्लेइंग कंडीशन से हैप्पी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ओवल पिच इज सच दैट एज टाइम गोज बाय इट ऑल्सो असिस्ट स्पिनर्स। जैसे जैसे समय बीतेगा स्पिनर्स को असिस्ट करेगी ओवल की ये पिच, सो स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले लिटिल अ बिट। धीरे धीरे आप देखेंगे स्पिनर्स प्ले में आएंगे इस ओवल की पिच पे। इट नीड नॉट ऑलवेज बी अ टर्निंग ट्रैक। समटाइम्स स्पिनर्स रिलाई अ लॉट ऑन बाउंस एंड समटाइम्स ऑफ द पिच लिटिल बिट ऑफ द जिप दे गेट। तो वही बताने का प्रयास कर रहा है कि इस पिच पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बार आप जो टर्न है उस पर रिलाई ना हो, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा आपको, और भैया जिस प्रकार से जो जिप मिलेगी पिच से वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनको पहले से पता था, भविष्यवाणी कर चुके थे भैया ओवल के मैदान में स्पिनर प्ले में आएंगे। लेकिन टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा और द लेजेंड राहुल द्रविड़, इनको क्यों नहीं समझ में आया, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ये खामियां लगातार देख रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप 2022 वाला हो या उसके बाद जिस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं, हमने लगातार वो खामियां देखी हैं। या फिर वन ऑफ टेस्ट हो जहाँ पर राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में एडजस्टन में हम वो भी हार गए थे, वो पूरी सीरीज चलिए ड्रॉ हो गई थी 2-2 से। फिलहाल हम कुछ जीत नहीं रहे हैं राहुल द्रविड़ की इस कोचिंग में, कहानी निकल कर यही आ रही है लास्ट में। तो ये सारी की सारी अपडेट थी, फिलहाल आप बताइए कैसे लगी न्यूज़। हमें वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।